बैक ऑन किया एक टॉक वर्क। आज की वीडियो बताना हो वाई साइड एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर की जगह SMPS सप्लाई कैसे लगाई जाती है। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए फ्री सब्सक्राइब करें और कर लग करें। थैंक यू सो मच। SMPS सप्लाई 12 वोल्ट और 2.5 एम्पे के लिए आप 2 एम्पे से 3 एम्पे के बीच में ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने रेल लाइन की कनेक्शन कर दिया है। यहाँ 2 पॉइंट आपको दिख जाएगा, एक देखिए फ्यूजेबल, एक रेजिस्टेंस होगी इस तरह की, 3 ओम से 47 या 50 ओम तक की हो सकती है, और एक MOV ब्लू रंग का MOV होगा उसके। अब देखिएगा 2 पॉइंट अलग होगा, उस पर सोल्ड कर दीजिए और इसे प्लस और माइनस नहीं, इसी वायर निकल गया इस बड़े वाले कैपेसिटर के। देखिए नेगेटिव होता है पट्टी रहती का, इस पेज का नेगेटिव कर दीजिए और बिना पट्टी रहती का पॉजिटिव कर दीजिए, उस पर पॉजिटिव कनेक्शन कर दीजिए। यहाँ देखिए बैटरी से चलाने के लिए 2 वायर गए हुए, मैं एक दो टर्म मीटर पर सोल्डिंग कर लेता हूँ और करके दिखाता हूँ जल्दी से। कर दिया सोल्डिंग, अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए चल रहा है, आपको 2 एम्पे से कम नहीं लगाया तो इसके आवाज़ में फटने का प्रॉब्लम आ सकता है। आप 2 एम्पे से ज़्यादा एक ऊपर लगाए और SMPS सप्लाई के नीचे एक कार्टून का टुकड़ा जरूर लगाए, शॉर्ट सर्किट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।